1978 में बीआर चोपड़ा की फिल्म पति पत्नी और वोह रिलीज हुई थी, जिसमें संजीव कुमार, विद्या सिन्हा और रंजीता थे, और वो फिल्म उस जमाने में भी लोगों को बहुत पसंद आई थी। और आज एक बार फिर वो फिल्म, उसी फिल्म का रीमेक बना है पति पत्नी और वो, जिसे जिसका निर्देशन किया है मुदस्सर अजीज ने, और फिल्म में है कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे और भूमि पेडनेकर। और आज भी ये फिल्म उतनी ही मज़ेदार है। फिल्म का प्रेमाइस वही है, एक छोटे से शहर की कहानी है। चिंटू त्यागी यानी कार्तिक आर्यन जो एक मध्यम परिवार से आते हैं, पिता के चाहने पर उनकी पढ़ाई होकर के जल्दी से शादी हो जाती है, शादी और साथ साथ उनकी एक नौकरी, सरकारी नौकरी, लाइफ सेट है। छोटे शहरों का जो मध्यम परिवार होता है वो ऐसा ही होता है, लाइफ सेट हो जानी चाहिए और बस उसके बाद चिंता होती है कब तुम्हारा परिवार आगे बढ़ेगा, बहुत ही मोनोटोनस लाइफ। ऐसे में चिंटू त्यागी के दफ्तर में एक खूबसूरत हवा का झोंका यानी अनन्या पांडे की एंट्री होती है। वो तपस्या, जिनके किरदार का नाम है, वो तपस्या से मिलते हैं और थोड़ी सी लालच उनके मन में जागती है, थोड़ी सी दोस्ती का लालच। उनको लगता है कि अरे ये लड़की तो सुंदर है और उन्हें भाव भी दे रही है, तो क्यों ना इनसे थोड़ी सी दोस्ती कर ली जाए। वो यहाँ पर अपने पत्नी, ऐसा नहीं है कि वो अपने पत्नी से प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन साथ साथ ये उनको ये थोड़ा सा छोटा सा टाइम पास बड़ा अच्छा लगता है। मगर ये ऑब्वियसली ये बहुत देर तक चलने वाला तो होता नहीं है ऐसी चीज़ें, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। हंसी मजाक से ही ये फिल्म आगे बढ़ती है, बहुत ही खूबसूरत डायलॉग्स हैं। अंत में क्या होता है ये बड़ा दिलचस्प है, मैं स्पॉइलर नहीं बनना चाहती हूँ, लेकिन एक दो चीज़ें हैं जो मॉडर्न टेक की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर कोई अबला नारी नहीं दिखाई गई है, ना ही रोने धोने वाली पत्नी है जिन्हें पता चलता है कि भाई पति कहीं और अपना दिल लगा बैठा है। वो क्या करती है एक्चुअली, भूमि पेडनेकर का जो किरदार है वो बहुत अहम है और बहुत सारे ऐसे लाइंस हैं, मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है इस फिल्म का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और एक आप मतलब आज का जो टेक है वो बहुत तरीके से बताया गया है कि भाई अगर लड़के को लगता है कि उसके पास ऑप्शंस हैं, तो ये जान ले कि लड़कियों के पास उससे ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो अंत में क्या होता है कि भाई लड़कों को तो ये मानना ही चाहिए या मानना ही पड़ता है कि आप घूम फिर कर अपने घर पर ही आते हैं, अपनी पत्नी के साथ ही वो अच्छे लगते हैं और अपना परिवार जो है वो ही आपको सुख दे सकता है। यहाँ पर तारीफ करूँगी डायरेक्टर की, मुदस्सर अजीज़ की, जिनकी लिखाई बहुत ही अच्छी है, बहुत ही क्रिस्प है। उन्होंने डायलॉग्स भी इतने मज़ेदार लिखे हैं। कहते हैं ना कि आप ज़िंदगी का जो फ़लसफ़ा है या ज़िंदगी की जो सीख है वो हंसते खेलते भी सीख सकते हैं। फिल्में जो है वो समाज का आईना होती है, तो फिल्मों से भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और ऐसी फिल्में तो ख़ास तौर पर लोगों के लिए बहुत ही मतलब आप एंटरटेन भी हो और साथ साथ आप कुछ घर लेकर जाएं। पति पत्नी और वो ऐसी फिल्म है। फिल्म में जो गाने हैं, म्यूज़िक की अगर बात करें तो अखियों से गोली मारे और धीमे धीमे, ये दोनों ही रीमेक्स हैं, पुरानी फिल्मों के गाने हैं, लेकिन इसे भी मॉडर्न तरीके से फिल्माया गया है। एक्टर्स की बात करें, कार्तिक आर्यन सचमुच मतलब उन्होंने एक स्टेप ऊपर ही काम किया है। उन्होंने अपना जो छोटे शहर का जो एक फ्लेवर है उसे सही पकड़ा है, जो उनका लहजा है बोलने का, एक्सेंट है, वो बहुत सही है। भूमि पेडनेकर की बात करें तो मतलब अभी तक मुझे नहीं लगता कि भूमि ने अभी तक कोई भी फ्लॉप दी होगी। कोई भी किरदार, किसी भी किरदार को इतने सही तरीके से पकड़ती है, ख़ासतौर पर अगर छोटे शहर की बात करें, अगर वो समाज से जुड़ी हुई कोई मुद्दे की बात करें, भूमि इस खेल में या इस जॉनर में माहिर है। अनन्या पांडे के लिए बहुत नया है क्योंकि ये उसकी दूसरी फिल्म है, लेकिन उसने इतने सलीके से, इतनी छोटी है वो, लेकिन वो का किरदार जो है या वो की परिभाषा को समझाने में भी अनन्या का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत अच्छा काम किया है उसने। सबसे ज़्यादा तारीफ़ काबिल अगर कोई है तो वो है आयुष्मान खुराना के छोटे भाई अपार शक्ति खुराना, जिनकी पैडिंग अगर इस फिल्म में नहीं होती तो ये फिल्म इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी लग रही है या जितना लोगों को पसंद आएगा या आ रहा है। अपार शक्ति का ग्रोथ बहुत ही कमाल का है और वो बहुत अच्छे तरीके से अपना रोल निभाते हैं, बहुत सहज है अपने डायलॉग डिलीवरी में
और उनके हर एक डायलॉग पर आप हंसेंगे। बीआर चोपड़ा के पोते जूनो चोपड़ा ने इसका ऐसी फिल्मों का बीड़ा उठाया है जो उन्होंने ऑलरेडी अपने प्रोडक्शन में बहुत ही हिट फिल्म्स उन्होंने दी हैं, तो ये एक शुरुआत है। और साथ में अगर टी सीरीज़ का साथ है तो फिर इन दोनों ने मिल करके ऐसी फिल्में बनाने का जो एक सिलसिला शुरू किया है, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी फिल्में बने और एक मैसेज ज़रूर जाए, क्योंकि फिल्में जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, उससे आप सीखते भी हैं। अच्छा बुरा सभी घर लेकर के जाते हैं और मुझे लगता है कि पति पत्नी और वो एक हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म है और साथ में एक मैसेज ज़रूर छोड़ती है।